हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि बॉट नेक विद पाइपिंग कैसे बनाते हैं। तीरे का यह मेजरमेंट एक्सेल और एल साइज के लिए होगा। एल साइज से कम के लिए आधा इंच कम लेना है और डबल एक्सेल से ज़्यादा के लिए आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़े को पहले 4 बार फोल्ड कर लिया है। कपड़े की चौड़ाई हिप से 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा चौड़ी लेनी है जो अंदर फोल्ड होगा। अब इसके तीरे का निशान लगाना है। जो नॉर्मल तीरा होता है वो 6.5 और 7 इंच का होता है, लेकिन बॉटनेक का 7.5 इंच तीरा रखना है, नहीं तो ये शोल्डर स्पेस से टाइट रहेगा। तो इसलिए उसको 7.5 इंच और 7 इंच लेते हैं, 6.5 इंच नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चौड़ा तो होता है लेकिन वो लंबा नहीं होता, इस वजह से वो खिंचेगा। तो इसकी चौड़ाई हम 7.5 रख के लंबाई में भी 7.5 ही रखना है। अब इस पर 2 इंच की गोलाई का निशान लगाना है और जो फिटिंग का निशान होगा उससे 1.5 इंच ज़्यादा निशान लगाना है। इस तरीके से पहले एल का निशान लगा के 2 इंच की गोलाई का निशान लगाकर इसको राउंड शेप देनी है। जहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से और अब इसको काट लेना है। अब इसका आगे वाला जो फ्रंट कपड़ा होगा वो निकाल लेंगे। ये कुर्ती की आगे वाली साइड ली है और इस पर अब छटाई करेंगे। छटाई के लिए सबसे पहले जो फिटिंग का निशान होता है वो लगाना है इस तरीके से, और उसके बाद छटाई के लिए 1 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। जो ये निशान लगाया है वो 5 इंच की लंबाई पे लगाया है, और उसके बाद छटाई को शेप देनी है। इस तरीके से निशान लगाना है फिटिंग के निशान तक ही। ऊपर से मैंने इसको 1/2 इंच लिया है और फिर इसको काट लेना है। डीप नेक में नॉर्मली हम 1.5 इंच की छटाई करते हैं, लेकिन जो कॉलर वाली कुर्तियां होती है, जो बोट नेक वाली कुर्तियां होती है, उसमें 1 इंच का निशान लगाया जाता है। अब मैंने बुकरम ली है, 10 इंच चौड़ी है और 6 इंच लंबी है। इसको बीच में से फोल्ड करके अब इस पे गला ड्रॉ करना है बोट नेक। चौड़ाई में 4.5 इंच से थोड़ा सा कम निशान लगाना है और इसको मैंने 4.5 इंच डीप रखा है। इस तरीके से इस पे उल्टे एल का निशान लगाना है और फिर इसको राउंड शेप देनी है इस तरीके से। इसकी गोलाई 1.5 इंच है। अब बाहर की बाउंड्री ड्रॉ करनी है 1 इंच चौड़ी और फिर उसको ऐसे काट लेना है। बोट नेक कट के रेडी हो चुका है। इसकी चौड़ाई 9 इंच है और इसकी लंबाई 4.5 इंच है। अब इसको बीच में से फोल्ड करके निशान लगाना है। अब मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है जिसको उल्टी तरफ से बीच में से फोल्ड करके एक लंबा निशान लगाना है। इससे जो नेक होगा वो टेढ़ा नहीं जाएगा। अब जिस भी कलर की पाइपिंग निकालनी है वो कपड़ा लेना है। पहले पाइपिंग का कपड़ा, उसके ऊपर उल्टा कपड़ा रखना है। जो फ्रंट पार्ट होगा कुर्ती का उसको उल्टा करके रखना है, और थर्ड लेयर होगी जो हमने बुकरम का गला काटा था वो, और उसको बीचों बीच इस तरीके से रखना है।
फिर बीच में से 4.5 इंच का निशान लगाना है दोनों तरफ। ऐसे निशान लगा के तीनों निशान को सही तरीके से रखते हुए उस पर सिलाई लगानी है। ये बुकरम पर थोड़ी ऊपर सिलाई लगेगी, जितनी भी आपको मोटी पाइपिंग या पतली पाइपिंग, जिस भी टाइप की आपको पाइपिंग निकालनी है, उतना ही कपड़ा, उतना ही बुकरम दबानी है। इस तरीके से पूरे गले पे सिलाई लगानी है। फिर अंदर से कपड़ा कट कर देना है, एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखना है और बाकी सारा कपड़ा निकाल देना है कट करके। अब जो पाइपिंग का कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए पाइपिंग निकालनी है। और उस पर सिलाई लगानी है। जो सिलाई होगी वो पाइपिंग पर नहीं लगानी है, इस तरीके से आराम आराम से उसको फोल्ड करते हुए पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालते हुए ये ध्यान रखना है कि उसको ज्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो बुकरम सिलाई से निकल जाएगी। पूरे गले पे पाइपिंग निकल चुकी है। अब इसकी उल्टी तरफ जो पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काटना है। ध्यान रखना है जितनी भी बुकरम होगी उससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेना है और बाकी कपड़े को काटना है। अब जो पाइपिंग का कपड़ा होगा उसको बुकरम के अंदर फोल्ड करके उस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे गले पर इसी तरीके से कपड़ा अंदर करके सिलाई लगानी है। और बोट नेक रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके पास स्टिचिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालना ना भूलिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।